शहर में एक हफ्ते के अंदर चाकूबाजी, हत्या और छेड़छाड़ की लगातार हुई घटना के बाद पुलिस नींद से जागी और सर्द रात में चौराहों पर गुंडागर्दी करने वालों को लेकर तलाशी अभियान चलाया है। शुक्रवार रात चेकिंग अभियान के दौरान शहर के थाना माधवनगर, महाकाल व नीलगंगा में तीन बदमाशों को चाकू के साथ पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों मंगलवार रात कार्तिक मेले में एक बहन के साथ छेड़छाड़ व उसके आगर निवासी भाई दीपक उर्फ दीपू की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके अगले ही दिन बुधवार रात फिर तृप्ति राठौर नामक युवती के साथ रात 11 बजे घर के बाहर छेड़छाड़ व बदमाशों द्वारा युवती के घर पर पथराव व पूरे परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें युवती तृप्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। अगले दिन गुरुवार की रात भाजपा पार्षद सुशील श्रीवास्तव को बदमाशों ने भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री पारस जैन के सामने चाकुओं से वार कर घायल कर दिया था। इन सभी घटनाओं से सबक लेते हुए पुलिस एक्शन में दिखाई दी और अब शहर के चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें सफलता भी हाथ लगी है। एसएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि चार दिन तक हुई लगातार घटनाओं के बाद पांचवें दिन पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दी है और विशेष चेकिंग अभियान चलाकर तीन थाना क्षेत्रों में तीन आरोपियों को चाकू के साथ धर दबोचा, जिन पर शनिवार को न्यायालय भेजने के बाद कार्यवाही की जाएगी। अभी तक जो है तीन थाना क्षेत्र में, माधवनगर में, नीलगंगा में और महाकाल में अपन ने तीन आरोपियों को पकड़ा है जो चाकू के साथ मिले हैं, तो इन पे जो भी आर्म्स एक्ट के जो धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये चेकिंग अभी निरंतर जारी है, तो अगले कुछ घंटे में हो सकता है कि हम और लोगों को इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं उनको पकड़ने, ये चेकिंग जो शहर के सभी थानों में और इवन देहात के जिले में सभी जगह चल रही है, जो देहात के थानों में भी ये चेकिंग चल रही है और शहर में भी सभी थानों में अलग अलग पॉइंट्स पर बनाया है, जैसे नीलगंगा में और महाकाल में और इसी तरह जितने थाने हैं सभी जगह ये चेकिंग चलते हैं।